हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपको स्टूडेंट वीजा अवार्ड हो जाता है तो उसके बाद में आप इटली जाते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने वीजा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वीजा अवार्ड भी हो चुका है और कुछ स्टूडेंट्स अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप जब भी इटली में जाते हैं तो इटली में जाने के बाद आपको विद इन 8 और 10 डेज के अंदर अपने रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए आपको अपने नियर बाई काफ ऑफिस में जाकर के आपको एक वेलकम किट मिलता है। उस वेलकम किट में आपको अवेलेबल फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स आपको फिलअप करने होते हैं, साथ में अपना जो स्टूडेंट वीजा अवार्ड हुआ है उसका एक कॉपी, प्लस आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं, जैसे कि आपका DOV यूनिवर्सिटी का, आपका ऑफर लेटर, आपका प्री एनरोलमेंट समरी काइंड ऑफ थिंग्स। इसके बाद आपको एक रेजिडेंसी परमिट जो आपने अप्लाई किया है उसका एक रिसिप्ट मिल जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप विदाउट रेजिडेंसी परमिट के बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसका आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि जाने के साथ साथ जितना भी जल्दी पॉसिबल हो पाए आपको अपना रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करना है। रेजिडेंसी परमिट यूजुअली आपको अवार्ड होता है 3 to 5 months के ड्यूरेशन में। मीनवाइल आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है, उस रिसिप्ट के बेसिस पे आप वो सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जो कि नॉर्मली रेजिडेंसी परमिट मिलने के बाद होता है, जैसे कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सर्टेन रीजन में यूज करना, आपको स्टूडेंट होने पे वेवर मिलना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक कैंटीन्स में आप उसका यूज कर सकते हैं, आपको वहां पर वेवर मिल सकता है, साथ में आप कई हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज का भी यूज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ जो रेजिडेंसी परमिट की रिसिप्ट मिलती है उसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन रहती है आपके ऊपर, वो ये है कि आप अदर शेंगेन रीजन में ट्रैवल नहीं कर सकते, बाकी आप सारी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं आपको 3 to 5 months के बाद जब आपको रेजिडेंसी परमिट आपको एलोकेट हो जाता है, आपका कार्ड बन जाता है जिसको हम परमिसो दी सुजोर्नो बोलते हैं, उसके बाद आप अदर शेंगेन रीजन्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और आप अदर रीजन्स में, अगर आप जैसे आप जर्मनी जाना चाहते हैं, माल्टा जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि आपने जब स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई किया हुआ है आपको उस स्कॉलरशिप के रीजनल ऑफिस में जाना है, और वहां जाने के बाद आपको अपने जो इनकम डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किए हुए थे, जब आप रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं ना तो काफ ऑफिस से ही आपका ईसे स्टेटमेंट के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, तो वहां पर आप ईसे स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं। ईसे आपका एक इटालियन इनकम स्टेटमेंट होता है, जैसे इंडिया में आप अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं उसी के बेसिस पे आपका ईसे स्टेटमेंट होता है, तो वो ईसे स्टेटमेंट आप एप्लीकेशन कर देते हैं तो कई बार जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली ईसे स्टेटमेंट को ग्रैप्स कर लेता है ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू, तो आपको फिजिकली सबमिट नहीं करना होता, लेकिन आपको ये क्रॉस चेक करना है, हर एक अलग अलग रीजन के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो वो स्कॉलरशिप कॉल्स में जनरली मेंशन होते हैं, तो वहां पर आपको चेक करना है कि आपके डेडलाइन से पहले इटली पहुंचने के बाद आपको अपने रीजनल स्कॉलरशिप के जो ऑफिस है वहां पर अपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से लीगलाइज करा के आप अपने साथ में लेके जा रहे हैं, जैसे फैमिली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस सर्टिफिकेट, साथ में आपको जो ईसे स्टेटमेंट मिलता है वो, प्लस आपको अपने रेजिडेंसी परमिट की एक कॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रीजनल स्कॉलरशिप के ऑफिस में सबमिट करने हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ये दोनों चीज कर लेते हैं, मीनवाइल आपको अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डेस्क पे भी रिपोर्ट करना है, जहां से कि आपका यूनिवर्सिटी का फर्दर एनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डेस्क पे रिपोर्ट नहीं करते, सो दैट वो अपने एनरोलमेंट प्रोसेस में लेट हो जाते हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी में फिजिकल एनरोलमेंट भी कंप्लीट कराना होता है, तो जैसे ही आप इटली पहुंचते हैं विदाउट एनी डिले आपको ये 3 चीजें करनी है। सबसे पहले रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई करना है, फिर स्कॉलरशिप के रीजनल ऑफिस में जाकर आपको अपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सबमिट करने हैं, और थर्ड वन इज आपको अपना फिजिकली एनरोलमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करना है अपनी यूनिवर्सिटी में।
साथ ही फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनटेक के लिए सितंबर 2023 के लिए अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें application02@meridian.org पे अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही आप अगर यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, तो अभी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे ही रिसेंट अपडेट पाने के लिए फ्रेंड्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।